खबर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्क्रीन के इधर से हम देखते हैं, उधर से आप देखते हैं, कोई मतलब है भला इसका? इसीलिए हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं लल्लन टॉप अड्डा, एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ। इस बार मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। बिजी बहुत होंगे, पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा सा समय निकालिए और पहुंच जाइए। एंट्री एकदम फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सूचना समाप्त, अब आते हैं खबर पर। और मैं सोच रहा हूँ कि दोनों के बीच बात क्रिकेट की हो रही होगी या फिल्मों की, क्योंकि क्रिकेट के बारे में तो मैं जानता नहीं, कितनी समझ होगी। ये बात कही गई है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अनुष्का शर्मा और आथिया शेट्टी को लेकर। किसने? पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कमेंट्री करते वक्त। इस बात को लेकर अब खूब बवाल मच रहा है। आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा और आथिया शेट्टी वर्ल्ड कप मैच देखने पहुंची थी। दोनों बाकी खिलाड़ियों की पत्नियों के साथ बैठी हुई थी। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम जल्दी जल्दी विकेट खोकर दबाव में आ गई। पहले शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, फिर कप्तान रोहित शर्मा केवल 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर के रूप में तीसरा विकेट गिरने पर KL राहुल मैदान में उतरे। अब एक छोर पर राहुल और दूसरे छोर पर विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरे देश को उम्मीद थी कि ये जोड़ी एक लंबी साझेदारी कर भारत को एक बड़े स्कोर तक लेकर जाएगी, जैसा कि इससे पहले हुए ऑस्ट्रेलिया के मैच में दोनों ने किया भी था। कमेंट्री में भी यही बातचीत चल रही थी। इस समय हिंदी कमेंट्री हरभजन सिंह और जतिन सप्रू कर रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अनुष्का शर्मा और आथिया शेट्टी भी मैच देख रही थी, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया। विराट कोहली और KL राहुल की बल्लेबाजी करते समय कैमरा उनकी तरफ पहुंचा तो कमेंट्री बॉक्स से कहा गया, परिवार तो हर मैच में पहुंचा है, फिर ये तो वर्ल्ड कप फाइनल है, समर्थन की बहुत जरूरत होती है। मैदान के अंदर तो अच्छा खेलना होता ही है, लेकिन बाहर से भी सब खिलाड़ियों के लिए दिल से दुआएं करते हैं। इस पर जतिन सप्रू ने कहा, भज्जी परिवार भी सुपरस्टिशियस यानी कि वहमी होते हैं। मुझे लगता है अनुष्का शर्मा और आथिया शेट्टी सोच रही होंगी कि जब तक उनके पति क्रीज पर मौजूद हैं तब तक वे दोनों साथ रहे। अब जब कमेंट्री बॉक्स में बैठे हरभजन सिंह की बारी आई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सोशल मीडिया में उनकी बहुत किरकिरी हुई। वे दोनों एक्ट्रेसेस की क्रिकेट को लेकर समझ पर सवाल उठा बैठे। उन्होंने कहा, और मैं सोच रहा हूँ कि दोनों के बीच बात क्रिकेट की हो रही होगी या फिल्मों की, क्योंकि क्रिकेट के बारे में तो मैं जानता नहीं, कितनी समझ होगी। कमेंट्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने हरभजन सिंह के इस बयान को सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्टिक यानी कि महिला विरोधी करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, हरभजन सिंह क्या मतलब है आपका कि महिलाओं को क्रिकेट की समझ होगी या नहीं, इस बात पर तुरंत माफी मांगिए। एक दूसरे यूजर ने कहा कि हरभजन सिंह के इस बयान पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने लिखा, सच में हम किस समय में रह रहे हैं? अनुष्का शर्मा और आथिया शेट्टी को लेकर दिए हरभजन सिंह के बयान पर हमें गुस्सा आ रहा है, आपको क्या लगता है? एक और यूजर ने हरभजन सिंह के बयान को मिसोजिनिस्टिक करार दिया। उन्होंने हरभजन सिंह को माफी मांगने के लिए कहा। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि हरभजन सिंह को कमेंट्री करनी ही नहीं चाहिए थी, उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। एक और यूजर ने हरभजन सिंह को टैग करते हुए लिखा, वे दोनों इस बारे में बात कर रही थी कि उनके पति आज 50 कैसे बनाएंगे। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम केवल 240 रन ही बना सकी थी। वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी खराब रही। उन्होंने 50 रन के अंदर ही 3 विकेट अपने खो दिए, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम लड़खड़ाई नहीं बल्कि आगे जिम्मेदारी से उन्होंने बल्लेबाजी की। ट्रेविस हेड के शतक ने आखिर में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी प्रज्ञा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, सही सही कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तू ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या बताना सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं,
पूछिए मत, खुद आकर देखिए या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन का अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।